ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर एवं ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवादल के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को आयरन लेडी भारत रत्न तथा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती टाटगढ़ रोड स्थित अंबेडकर भवन में समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी सदस्य पारस पंच ने इंदिरा गांधी को नम आंखों से याद करते हुए कहा कि उनकी कुशाग्र बुद्धि तथा नेतृत्व क्षमता को याद किया। इस दौरान युवा नेता मनोज चौहान ने उपस्थित सभी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भार जोड़ो यात्रा में चलने का आह्वान किया। सभा को नगर परिषद सभापति गोविंद पंडित, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा आदि ने भी अपने संबोधन में आयरन लेडी के देश के प्रति दिए गए बलिदान को याद करते हुए उनके जीवन आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कल्पना भटनागर, पुष्पांजलि पारी, कैलाश साकला, सहदेव सिंह रावत, शैलेश शर्मा, राजेंद्र तुनगरिया, विक्रम सोनी, राधिका शर्मा, शोभा चौधरी, शांति डाबला, संतोष साकला, श्याम सुंदर शर्मा, अशोक मुंद्रा, भरत बाघमार, भुवनेश्वर शर्मा, रामनिवास सेन, राकेश साहू, विकास दग्धी, बीआर सेन, रामलाल लखन, इस्लामुद्दीन नागौरी, चेतन भट्ट तथा मेघराज बोहरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। इस मौके पर पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा गौरव यात्रा भी निकाली। अंबेडकर भवन से शुरू हुई तिरंगा गौरव यात्रा ब्रह्मानंद धाम से होते हुए शास्त्री नगर से शास्त्री सर्किल पर पहुंची। यात्रा में शामिल कांग्रेस जन मेरे देश का झंडा, तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, पहले लड़े थे गोरों से हम लड़ेंगे चोरों से, हम फौजी हैं मस्ताने हैं गांधी के दीवाने तथा भारत माता की जय जय के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे।